कारण उसके ही प्रभाव के कारण हो जाता है। सरकार जो करेगी करेगी, हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। हम रोज शाम को ये सोचें कि मेरे कारण तो वायु प्रदूषण नहीं हुआ, अर्थात मैं बीड़ी तो नहीं पीता हूँ, मैं सिगरेट तो नहीं पीता हूँ, मेरे घर में लकड़ी के चूल्हे से खाना तो नहीं बनाया जा रहा है, मैं अगर ठेकेदार हूँ तो मैं सोचूं कि मैं नेशनल बिल्डिंग कोड के नियमों का पालन करके बिल्डिंग बना रहा हूँ या गलत सलत बना रहा हूँ, मैं अगर उद्योगपति हूँ तो सोचूं कि मेरे उद्योग से कोई चिमनी का धुआं नहीं निकलना है, या मैं कोई छोटा मोटा दुकान चलाता हूँ या ठेला लगाता हूँ उस पर मैं भट्टी पे चाय तो नहीं बना रहा हूँ या कोई चीज और नहीं बना रहा हूँ जिससे धुआं निकलता है। ये सब हमें सोचना पड़ेगा। हम हर मौके पर पौधा रोपण, चाहे हमारा समारोह है उसमें भी हम लोगों को पौधा दें रोपने की जगह, चाहे हमारे बच्चे का 10 साल का जन्मदिन हो तो हम मोमबत्ती जलाने की बजाय, वायु प्रदूषण करने मोमबत्ती से भी होता है, उसके बजाय हम 10 पौधे उसे रोपित करवाएं। हमारी सिल्वर जुबली एनिवर्सरी है मैरिज की, उसमें भी हम 25 पौधे लगाएं, या और कोई कार्यक्रम है उसमें भी हम पौधा रोपण लगाएं और इस वायु प्रदूषण के दूसरे लोगों को दुष्प्रभाव बताएं और इससे लड़ने के उपाय बताएं। सबसे छोटा पौधा जो तुलसी का होता है वो घर में इसीलिए लगाया जाता है कि घर के अंदर भी वातावरण में ऑक्सीजन मिलती है। घर के बाहर बड़े 3 पौधे जो लगाए प्रमुख रूप से ऑक्सीजन देते हैं वो है बरगद का पौधा, पीपल का और नीम का, ये ज्यादा से ज्यादा लगाने।